हेलो दोस्तों, तो जी हाँ, आपको पता है कि माइटोसिस, मियोसिस और ग्लाइकोलाइसिस, साथ ही साथ 206 बोन की कमाल की ट्रिक की वीडियो मैंने आपको दे रखी है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्रेब्स साइकिल की नई ट्रिक। जी हाँ, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली चीज क्या है आपको मैं बता दूं, क्रेब्स साइकिल होता क्या है। क्रेब्स साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है सर, जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसके थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, विच इज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब। क्लियर है, ये हमें पता है। अब इसकी साइकिल कैसे याद करेंगे, बस आपको एक लाइन याद करनी है। क्या है सर? ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ओ ये गलती हो गई मेरे से, है ना। वैसे क्या बोलेंगे, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। बहुत ही ईजी है, देखो आपको लर्न हो जाएंगी। चलिए दिखाता हूं। अब क्या बोला आपने, आपने क्या बोला, ओ सिट्रिक सिट्रिक एसिड इज अफकोर्स, अफकोर्स का ओ, अफकोर्स अ अल्फा, अफकोर्स अ सिली, फिर क्या स्टूपिड, फिर क्या फनी मॉलिक्यूल। यही तो है सर। आइए देख लेते हैं ये है क्या। ओ का होगा ओ ए ए ऑक्सेलो एसिटेट। सिट्रिक का क्या होगा, सिट्रिक एसिड, इसी को और क्या बोल सकते हैं, सिट्रेट, बात एक ही है। फिर ये ए का क्या होगा, सिस एकोनिटेट इज आइसो सिट्रेट, ओ ऑक्सेलो सक्सिनेट, ऑक्सेलो सक्सिनेट, अल्फा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ग्लूटारेट, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली, सिली का क्या होगा, सक्सिनिल, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्लियर है, सिली स्टूपिड क्या होगा, सक्सिनेट क्या होगा बच्चों, सक्सिनेट, सक्सिनेट, फनी का एफ फ्यूमरेट। क्लियर है, मॉलिक्यूल का एम मैलेट। लो जी सर, हो गई ये साइकिल कंप्लीट। ये साइकिल हो गई क्या कंप्लीट, देखो सर, है ना। अभी रुक जाओ, अभी बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कहां कहां से FADH2 निकलेगा, कहां से NADH2 निकलेगा और कहां से GTP निकलेगा, वो भी हम देख लेते हैं। क्लियर, देखो ये साइकिल कंप्लीट होगी पहली चीज। दूसरे क्वेश्चन का आपसे जो पूछा जाता है, कहां से NADH2 निकलता है, कहां से FADH2 निकलता है, कहां से GTP, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जरा ध्यान से देखिए आप। मैं ये कहता हूं कि जो सक्सिनेट और सक्सिनिल को एंजाइम ए है, इनके बीच से निकलता है क्या GDP रहेगा, एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या निकल जाएगा GTP, यहां से निकलेगा, ठीक है। और NADH2 और FADH2 कहां कहां से निकलेंगे उसकी ट्रिक देख लो तुम। क्या ट्रिक है सर, आप बोलो फास्ट मेन, क्या बोलेंगे, फास्ट MAIN, तो N फॉर क्या होगा, N फॉर होगा NADH2। क्लियर है, FA क्या होगा, FADH2, है ना। तो FADH2 कहां से निकलेगा बच्चों, यहां पर देखिए ST से क्या होगा, सक्सिनेट, क्या होगा सक्सिनेट, मींस व्हाट, अगर मैं FADH2 निकालता हूं तो कहां से निकलेगा बताइए, सक्सिनेट से निकलेगा, तो सक्सिनेट यहां पर है तो यहां से ये निकल रहा है FADH2। क्लियर है, अच्छा मेन N फॉर व्हाट, NADH2, NADH2 कहां कहां से निकलेगा देखिए, M फॉर व्हाट मैलेट, मैलेट, A फॉर व्हाट अल्फा कीटो ग्लूटारेट, I फॉर व्हाट आइसो सिट्रेट, इन तीन जगहों से क्या निकलेगा NADH2 निकलेगा। देखो तो मैं यहां पर अगर दिखाऊं NADH2, है ना, NADH2 अगर मैं दिखाता हूं तो बताइए कहां कहां से निकलेगा। देखिए पहले M फॉर मैलेट, मैलेट कहां है, यहां पर है, एक यहां से निकल गया, ठीक है। दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहां से है, दूसरा यहां से निकल गया, ठीक है। आई फॉर व्हाट आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट यहां पर है, यहां से निकल गया। बोलिए सर, सारे डाउट क्लियर हुए,
जी हाँ, एक और डाउट मैं बता देता हूं जो बच्चों का होता है। जनरली तो यही दिया है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ NADH2 आर रिलीज इन क्रेब्स साइकिल, तो आप क्या बोलेंगे? 3। पूछ लूं हाउ मेनी नंबर ऑफ FADH2 आर रिलीज इन क्रेब्स साइकिल, तो क्या बोलेंगे? 1। नहीं सर, रॉन्ग है। मैं आपको बताऊं, देखिए क्रेब्स साइकिल दो बार होती है, तो एक बार में अगर 3 निकल रहा है NADH2, तो दो बार में कितना निकलेगा? 6, है ना। एक बार में एक FADH2 निकल रहा है, तो दो बार में कितना निकलेगा? 2। याद रखिएगा, क्लियर है। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होती है। ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं या किसी अदर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।